सो गाइस ये है अपनी TVS की अपाचे 180 और ऐसे में आज जो हम इसका इंजन ऑयल चेंज करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, इंजन की आवाज़ भी काफ़ी चेंज हो चुकी है और इंजन ऑयल का जो लेवल है ना वो भी काफ़ी कम हो चुका है। बेसिकली किलोमीटर रनिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, किलोमीटर रनिंग हो चुकी है इसकी 57,769 किलोमीटर। लास्ट टाइम जब हमने इंजन ऑयल चेंज किया था लगभग किया था हमने 53,666 किलोमीटर के समथिंग। ऐसे में बाइक जो ओवरऑल जो चल चुकी है वो चल चुकी है लगभग 4,4100 किलोमीटर के समथिंग चल चुकी है। तो ऐसे में काफ़ी टाइम हो चुका है और लास्ट टाइम जो हमने इंजन ऑयल इसके अंदर डाला था वो डाला था हमने मॉड्यूल का 3100 गोल्ड करके डाला था, जो कि टाइम 20W50 था आई थिंक वो डाला था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बट इस बार कौन सा इंजन ऑयल हम डालने वाले हैं, इस बार डालने वाले हैं हम कैस्ट्रोल का फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि है कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट करके 10W40। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और जो करंट प्राइस जो इसका कितने का है देखो, MRP इसका 678 है और ये मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख लेना, जो भी ऑफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा। इसको मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। हम यहाँ पर इंजन भी फ्लश करने वाले हैं क्योंकि जो हमारी बाइक चल चुकी है लगभग 57,000 किलोमीटर, ऐसे में बाइक का एक बार भी इंजन फ्लश नहीं हुआ है, तो ऐसे में जो हम यहाँ पर अपनी बाइक का इंजन फ्लश करने वाले हैं। और इंजन फ्लश यहाँ पर हमने लिया हुआ है, ये है इंजन फ्लश करके बाड़धाल करके कोई कंपनी है। ऐसे में जो 3M का इंजन फ्लस आता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि वो 50ml का आता है और इसकी क्वांटिटी की बात करें ये 30ml का आता है। यहाँ पर हमने दो इंजन फ्लस लिए हैं क्योंकि कम से कम 50ml तो डालना पड़ता है, बट दो यहाँ पर डालेंगे तो 60ml हो जाएगा। डिपेंड करता है, देखो 1000ml तक आपकी बाइक में अगर इंजन ऑयल आता है ना तो आपने 50ml तक ही डालना है इंजन फ्लस, अदरवाइज जो आप 1.5 लीटर के समथिंग अगर इंजन ऑयल आता है तो उस केस में आप जो बढ़ा देना आपने जो 80ml तक कर देना, बट यहाँ पर जो हम 60ml डालेंगे और इंजन को फ्लस करेंगे। सो गाइस इंजन फ्लस करना है तो इसलिए इंजन फ्लस को डालते हैं, दो क्वांटिटी दोनों डालनी हमें क्योंकि 30ml की आती है। ऐसे में बेस्ट जो रहने वाला 3M का रहने वाला, और एक दो के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो एक्चुअल 50ml की क्वांटिटी में आते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला। जैसे मैं इसको मैं अगर डालता हूँ देखो किस तरह का दिखने वाला है आपको गाइस, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई डीजल टाइप का हो, इस तरह का लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का साइड में भी गिर गया, कोई बात नहीं क्योंकि ये हमारे पास 60ml है। ऑलराइट, दूसरी बोतल ये रही, इसको भी डालते हैं तो ऐसे में ऑलमोस्ट 50ml के समथिंग तो हो ही जाएगा, ये 60ml होता है वैसा एक्चुअल में जब पूरा डलता है, तो इसको डालते हैं। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर हमने इसको गेज को बंद कर देना है और उसके बाद जो बाइक को स्टार्ट कर देना आइडियल कंडीशन पे कम से कम 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए 8 मिनट के लिए कर देंगे। हालांकि इंजन जो हमारे बाइक का गर्म ही है अभी और जल्दी यहाँ पर हो जाने वाला, तो 7-8 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो बाइक को स्टार्ट करके हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और 10 मिनट बाद हम जो इंजन को ऑयल को जो ड्रेन कर देंगे। सो गाइस ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुके हैं 10 मिनट के समथिंग, तो ऐसे में हम बाइक को बंद कर देते हैं और भाई अब जो इंजन ऑयल को ड्रेन कर दें। 17mm का यहाँ पर पाना लगने वाला है, ये वाला पाना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मंगा लेना, ये काफ़ी सही है। इससे जो ईजिली जो इसके नीचे का जो बोल्ट है वो खुल जाता है और आसानी से जो आप ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं और प्रॉपर फिट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर इंजन ऑयल जो ड्रेन हो रहा है और तब तक क्या करते हैं हम इसका ऑयल फिल्टर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम गोटी सेट का यूज़ करने वाले हैं ऑयल फिल्टर की कैप को खोलने के लिए, जिससे कि हम ऑयल फिल्टर लगा पाएंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, काफ़ी ईजिली खुल जाता है, ज़रा टाइम में नहीं लगता इससे खोलने में, इसको बार बार निकालना भी नहीं पड़ता, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। और ध्यान रखेंगे इसमें जब इसको ऑयल फिल्टर को यहाँ पर लगाएंगे ना, हमें कुछ चीज़ ध्यान रखनी, जो सा नट जहाँ से खोल रहे हैं उसको वहीं पर लगाएं क्योंकि दो नट तो इसमें सेम होते हैं, जो कि ऊपर वाला नट है जो कि ये सबसे लंबा है, मतलब ध्यान रखें ये ऊपर ही लगेगा। तो भाई ऑयल फिल्टर की कैप खोल दी है, अब ऑयल फिल्टर को बाहर निकाल देते हैं इस तरह से पुश करके, ये इजिली बाहर आ जाता है। अब इसको इस तरह से खींच लेंगे और कंडीशन देख सकते हैं भाई साहब, ऑयल फिल्टर की कंडीशन देखिए भाई, कितना बेकार हो चुका है, बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। और देखो जो ये ब्लैंक वाली साइड है ना, हमेशा उस साइड रहती है और इसमें हमेशा ध्यान रखिए इधर जो रबड़ रहती है, रबड़ रहनी चाहिए, वो अगर किसी वजह से निकल गई तो उसको लगा दें। तो गाइस ऑयल फिल्टर लगाने से पहले प्रॉपर क्लीन कर लेंगे अच्छे से, पूरा डस्ट वगैरह जितनी भी लगी वो हटा देंगे और अंदर का जो ऑयल होगा पुराना उसको भी क्लीन कर देंगे इस तरह से घुमा के।
अच्छे कपड़े से साफ करें हमेशा। यूजुअली लोग क्या करते हैं, खराब कपड़े का यूज़ करते हैं साफ करने के लिए, जबकि होना चाहिए कि साफ कपड़े का, कॉटन का कपड़ा जो होता है उसका यूज़ करें क्लीनिंग के लिए, कुछ भी गंदे कपड़े का यूज़ ना करें। और जो ऑयल फिल्टर की कैप है, अब उसको भी क्लीन करेंगे, देख सकते हैं क्या कंडीशन हो रही है इसकी फिलहाल। जो ऑयल फिल्टर को ध्यान रखेंगे, ब्लैंक वाली साइड जो साइड को रहेगी उस साइड को करके इसको लगाएंगे सिंपली। इस तरह से कैप को प्रॉपर क्लीन कर दिया गया है, और अब सिंपली क्या करना है, कैप को लगाना है। और ध्यान रखना जो एरो बना हुआ ना, एरो नीचे की तरफ होना चाहिए। इस तरह से इसको लगाएंगे और सारे नट लगा देंगे। सबसे छोटा नट इस साइड आएगा, जबकि जो कि सबसे छोटा वाला है, बाकी दोनों बड़े नट इस साइड आएंगे, उनको प्रॉपर क्लीन कर लेंगे। और प्रेस करके लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग लगा होता है इसमें, इसलिए इस तरह से प्रेस करेंगे। एक आधी चूड़ी चढ़ा देंगे, देन दूसरी साइड का लगा देंगे। सो गाइस, साइड वाले ही नट इसमें बड़े हैं, क्योंकि जो कि डायरेक्ट इंजन के उसमें लगते हैं, बाकी इस साइड का जो नट है वो छोटा है, क्योंकि वो इंजन में आर पार उस ओर तक नहीं जाता, फ्रेम में नहीं जाता। इनको लगाने के बाद प्रॉपर टाइट कर देंगे, गोटी सेट से इसको इजीली टाइट कर देंगे। इसको इस तरह से लगाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सभी को करेंगे, ऐसा नहीं कि एक को ज़्यादा कर देंगे। ऑलराइट, इस तरह से। इस गोटी सेट का ये फ़ायदा है कि इसको निकालना नहीं पड़ता, और सीधा इस तरह से घुमाते रहिए, रिवर्स में घूम जाता है फ्री। ऑलराइट, फुली टाइट कर देंगे, और ध्यान रखेंगे ओवर टाइट ना करें बस। सो गाइस, यहाँ पर जो ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया है और फुली टाइट भी कर दिया नट को, इंजन ऑयल भी ड्रेन हो चुका है। ऐसे में ध्यान रखें भाई साहब, इंजन ऑयल चेंज करने से पहले, बेसिकली इंजन ऑयल डालने से पहले नीचे वाला जो नट है ना उसको जरूर लगा लें। ऐसा होगा कि आप इंजन ऑयल यहाँ से डाल रहे हैं और सारा नीचे से निकल जा रहा, तो सबसे पहले इसको भी लगा देते हैं नीचे की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर जो इंजन ऑयल हमने ड्रेन किया ना, ये सारा है। अभी देख सकते हैं, ये 1 लीटर की बोतल थी जो कि अभी और ऊपर तक थी। जैसे में मुझे इसकी क्वांटिटी की अगर बात करें, ये मुझे लग रहा है 750 ml के समथिंग होगा। हालांकि देखो, हमने इसके अंदर इंजन फ्लस डाला, बट फिर भी उसके बावजूद देखते हैं इंजन की ऑयल की क्वालिटी कैसी है। भाई साहब, ये पूरा जो ब्लैक हो चुका है जल के, मतलब लिटरली काला हो चुका है, मतलब पूरा फूक चुका है ऑयल। सो गाइस, अब जो फटाफट से इंजन ऑयल डाल देते हैं, कैप को ओपन करेंगे, जो कि बहुत हार्ड ओपन हो रही है, हो गई। तो कैसे ओपन करना, दुकान वाले कुछ इस तरह से करते हैं मैकेनिक, हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रही हमसे। हो गई, फाइनली ओपन हो गई इसकी कैप। सो गाइस, बिल्कुल शहद की तरह लग रहा है, तो जैसे सोने का ऑयल हो, गोल्ड, लिटरली ऐसा फील आ रहा है भाई जैसे इसके अंदर हमने जो शहर डाल दिया हो। और भाई क्या कमाल का एक्सपीरियंस हमारा रहा, एक बूंद भी बाहर नहीं निकला, एक बूंद भी, और सारा का सारा निचोड़ देंगे जितना भी होगा। सो गाइस, यहाँ पर ऑयल गेज भी हमें चेंज करना पड़ रहा है, ये न्यू ऑयल गेज है, ये पुराना है। अब इसमें दिक्कत क्या, दिक्कत देखो मैं आपको बताऊँ ना, मैकेनिक जब भी क्या करते हैं प्लास से इसको टाइट करते हैं, इस पर निशान तो आते ही आते हैं, अरे यहाँ पर जो चूड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, सेम चीज़ यहाँ पर हुई, इसकी चूड़ियाँ जो थ्रेड जो ख़राब हो चुकी हैं, जिस वजह से इस यहाँ से ऑयल भी लीक कर रहा था, और फुली टाइट करने पे फ्री हो जा रही थी, बेसिकली घूमे जा रही थी, फुल टाइट नहीं हो रही थी। यूजुअली होता क्या, हम रबड़ चेंज करते हैं तीसरी सर्विस पे इसकी, तीसरी सर्विस पे, चौथी सर्विस पे, या जब भी ये रबड़ ख़राब हो जाए, ओरिंग जो ख़राब हो जाए, तो ऐसे में ये चेंज हमें करना पड़ा एक जरा सी लापरवाही से, जब भी इसको प्लास से ओवर टाइट किया जाता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, अगर आप भी मंगाना चाहते हैं अपनी बाइक के लिए, अगर हो गया है ख़राब किसी वजह से, अदरवाइज आप लोकल शॉप से डला सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, हाथ से ही टाइट करें, प्लास से टाइट करने की कोशिश ना करें। देखो अभी मैंने इसको यहाँ पर इजीली हाथ से टाइट कर दिया, काफ़ी अच्छा टाइट हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती जो प्लास से टाइट करते हैं ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है, प्लास से टाइट नहीं करनी चाहिए। इंजन ऑयल हमने डाल दिया है, सारे बोल्ट वगैरह भी टाइट कर दिए प्रॉपर। अब जो बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं भाई, इंजन के साउंड में किस तरह का डिफरेंट देखने को मिलता है या नहीं मिलता। सिंपली स्टार्ट करते हैं बाइक को। ओहो हो, क्या बात है, वाओ, सो गाइस, स्मूथनेस तो डेफिनेटली यहाँ पर फील हो रही है। और देखो, बाइक में अभी किसी भी तरह का धुआं देखने को नहीं मिलता है, हालांकि जो बाइक अभी थोड़ी कंडीशन वैसी हो रही है, इसको वॉश करना है अभी, लेकिन हाँ स्मूथनेस तो डेफिनेटली यहाँ पर फील हो रही।
सो गाइस, इस वीडियो में हमने करा अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज करा हमने और इंजन ऑयल चेंज करा, और साथ ही ऑयल गेज का जो ये कैप है ना, इसको भी यहाँ पर चेंज कर दिया। एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। साथ ही इसके एक्सपीरियंस के ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कौन सी बाइक आपके पास है, 180cc है या 100cc है, 150cc है, और बाइक में आप कौन सा इंजन डलाना प्रेफर करते हैं, सिंथेटिक इंजन डलाते हैं या फिर मिनरल ऑयल डलाते हैं, जो भी डलाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक और शेयर, और सकते दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब।